देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता के बारे में, जो मेरा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। फर्स्ट यूनिट बना देता हूँ इसे मैं, और फर्स्ट टॉपिक इसलिए बनाता हूँ ताकि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले, ताकि हम इसे बाद में भी रिविज़न कर सकें, ठीक है ना। तो आनुवंशिकता पूरी बायोलॉजी इसी पर टिकी हुई है, हम लोग, तुम लोग, सब लोग इसी पर, सबके सब इसी पर टिके हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिकता है क्या, ठीक है ना। आनुवंशिकता, सबसे बड़ी बात, किताब से याद कर रहे हैं, हमें याद नहीं हो रहा, रटते रटते पागल हो जा रहे हैं, ठीक है ना। आज हम कुछ ऐसे थॉट्स सीखेंगे ताकि हमें याद रहे हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत तक हम कभी भूलें ना। आनुवंशिकता अगर एक बार देख लें, जिंदगी में कभी ना भूलें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ते हैं, कभी ना भूलने वाला टॉपिक। ये हनी सिंह बना दिया मैंने, ठीक है ना। ये भी मैंने हनी सिंह बना दिया, ठीक है। ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी। पीढ़ी मतलब हमारे मम्मी पापा, फिर उसके बाद हम, यानी हमारे मम्मी पापा क्या हुई, पहली पीढ़ी, और हम जो हम आए हैं उनसे तो हम दूसरी पीढ़ी, और जो हमसे आएंगे वो तीसरी पीढ़ी। ऐसी पीढ़ी लगा निरंतर चलती रहती है, ठीक है ना। इसे देखो जरा ध्यान से समझो कि ये क्या चीज़ मैंने बनाई है, ठीक है ना। कुछ अंतर देखा नहीं देखा, देखो यही तो आनुवंशिकता है। आनुवंशिकता है क्या, तुम डेफिनेशन याद करते रहना, नहीं होगी। आज मैं एक छोटा सा थॉट बता रहा हूँ तुम्हें, एक सिंपल सी बात, तुमने कभी देखा होगा, कभी बोलते हैं लोग बाग कि ये देखो, इसे देखो, ये उसका लड़का है, इसे देखो, ये उसकी लड़की है, मतलब मिलती जुलती शक्ल, आपका बिहेवियर, नेचर, आपके बाल हो सकते हैं, आपके पापा के बाल घुंघराले, हमारे बाल घुंघराले, ठीक है ना, आपका रंग सांवला, उसका भी रंग सांवला, यानी कुछ ना कुछ मिलता जुलता होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमें यहाँ दिख रही है, पहली पीढ़ी यानी हमारे मम्मी पापा, और सेकेंड पीढ़ी यानी हम, ठीक है ना। तो इसमें क्या है आनुवंशिकता, क्या है फिर, हमने ये आनुवंशिकता लिख रखा है, ये है क्या, ठीक है ना। तो यही तो आनुवंशिकता है, इसकी डेफिनेशन याद करते हैं, इसी के साथ दो दो डेफिनेशन याद करते हैं। देखो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ध्यान से देखना जरा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी मम्मी पापा से बच्चों में पाए जाने वाले समान लक्षण, ये क्या है, क्या है ये लक्षण, ठीक है ना। जो एक जैसे देख रहे हैं, क्या खड़े बाल, ठीक है ना, पप्पा के भी खड़े बाल और बेटे के भी खड़े बाल, ठीक है ना, आंखें नाक सब एक जैसा दिख रहा है, तो ये क्या है लक्षण, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाने वाले समान लक्षण। कौन से लक्षण, समान, कौन से लक्षण हमारे, ये समान लक्षण क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाने वाले समान लक्षण क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण, तथा यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आनुवंशिकता, क्या कहलाती है, आनुवंशिक ता, ठीक है ना, क्या कहलाती है, आनुवंशिकता। देखो कितना इजी बना दिया हमने इस हेडिंग को, ठीक है ना, कितना इजी बनाना है हमारे हाथ में, डेफिनेशन बनानी है तो भैया जो हमारी हेडिंग दी हुई है उसी में सारा कंक्लूजन छिपा हुआ है, पूरा संदर्भ है, उसमें पूरी व्याख्या है, आनुवंशिकता, ठीक है ना। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाने वाले समान लक्षण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाने वाले समान लक्षण क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण, तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आनुवंशिकता। खत्म, याद करने का झंझट खत्म। अब तुम कहोगे इसकी डेफिनेशन कैसे लिखा है सर, तो लिख दो भाई, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
पाए जाने वाले समान लक्षण आनुवांशिक लक्षण तथा क्या कह लो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तथा यह प्रक्रिया आनुवांशिकता वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख दिया, मैंने क्या कर दिया लिख दिया। देखो किताब से याद करें तो हमें याद नहीं हो रहा, वरना ट्राई कर सकते हो, किताब में दी हुई है, आप रट के देख लो, अगर आप उसे याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रही है तो मेरा सा ये थोड़ा छोटा सा एक कंसेप्ट है जो तुम्हें याद रखना है। क्या कंसेप्ट है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी कौन होगी? हमारी माता पिता वाली पीढ़ी, और दूसरी पीढ़ी कौन होगी? हम। तो एक पीढ़ी से यानी हमारी माता पिता से हम क्या समानता दर्शाते हैं, हम क्या दर्शाते हैं बताइए, तुम बताइए। तुमसे कोई लक्षण मिलते हैं? कभी कहा है किसी ने कि तुम, मतलब मेरे से तो कह जाते हैं तुम भोले के भाई लग रहे हो, भाई बोलते हैं बताओ, मेरे पप्पा हैं वो, उन्हें भाई बताते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे समानता, एक जैसा दिखता हूँ मैं, ठीक है ना, उनका बिहेवियर नेचर की कह नहीं सकता लेकिन मैं मिलता जुलता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि वो मेरे पापा हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एक पीढ़ी यानी हमारे माता पिता वाली पीढ़ी, ये कौन सी पीढ़ी होती है? माता पिता, और दूसरी पुत्र, पुत्रीय पीढ़ी, ठीक है ना। तो माता पिता से बच्चे में जो समान लक्षण पाए जाते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवांशिकता। अच्छे से लिख लो, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है ठीक है ना, तो आप मुझे पूछ सकते हैं।